For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्क में मर जाऊं की एक और नई अपडेट लेकर हम आ चुके हैं, हम जिससे आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या करने वाली है आरोही। लेकिन आपको पूरी खबर बताने से पहले शो के पिछले एपिसोड के बारे में आपको बता देते हैं, जहां दिखाया गया कि केसरी गुब्बारे में रोज वाटर भरकर रख देती है तारा के कमरे में उसके बेड पर, और जैसे ही वो बैठती है तो हर जगह कूना कून जैसा हो जाता है। वहीं सुबह वो लाकर फेंक देती है तारा के सामने उस चद्दर को, और तारा उसको देखकर काफी डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद पृथ्वी को पता चल जाता है कि वो खून नहीं बल्कि रोज वाटर है, और उसके बाद सारे बिंदिया पर शक करने लग जाते हैं कि स्टोर रूम में तो हुई जाती है। वहीं दीप जाता है और देखता है कि रोज वाटर की बॉटल सारी खाली पड़ी हैं, और उसका शक सीधा बिंदिया पर चला जाता है। लेकिन महाराज जी बिंदिया को बचाते हुए बोल देते हैं कि ये सब केसरी का काम होगा, और सभी केसरी को बुला लेते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। लेकिन वो किसी तरह अपने आप को बचा कर घर छोड़ के जाने की बात बोल देती है कि दीप ने मुझे रोक लेता है। साथ ही आपने देखा कि डॉक्टर को हो जाता है आरोही पर शक कि वो जरूर कुछ ना कुछ बुन रही है, तो वो कर लेता है आरोही को किडनैप, जिसके बाद वो ले आता है अपने पास। जी हाँ, तो अब आपको जानकारी दे दें कि एक एक करके अब सबको मारने वाली है आरोही, और नाम आएगा तारा का, जहाँ अभी वो उसे पागल साबित करने में लगी है ताकि बाद में कत्ल के पीछे वही फंसे और पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर ले जाए। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.